उत्तराखंड में लकड़ी की तस्करी करके उत्तर प्रदेश ले जाया जाता है। एक मामले में पुलिस ने कार्रवाई की और लाखों रुपए की लकड़ी को जब्त किया है, लेकिन लकड़ी तस्कर मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस को खबर मिली कि भरतपुर गांव के पास से खैर की लकड़ी को तस्करी कर उत्तर प्रदेश ले जाया जा रहा है। ऐसे में तत्काल कुंडा पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो पुलिस को आता देख कर लकड़ी तस्कर मौके से फरार हो गए। तस्करों के कैंटर को पुलिस ने चेक किया तो उस कैंटर में से 70 नग अवैध खैर की लकड़ी पाई गई। लकड़ी को बहुत बड़े गद्दे में तिरपाल से छिपा कर रखा गया था। अवैध क्रियाकलापों में जो भी लगे हुए उनके विरुद्ध एसएसपी महोदय के आदेश के क्रम में लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी में कल रात में सूचना मिली थी कि कुंडा थाना क्षेत्र में भरतपुर गांव है और वहां पे एक व्यक्ति है जो अवैध रूप से वन के अलग अलग जो पेड़ है उनकी अवैध रूप से तस्करी करता है। इस व्यक्ति का नाम राजेंद्र है, राजेंद्र पटवारी। तो इस सूचना में तत्काल इंस्पेक्टर कुंडा के नेतृत्व में एसओजी की एक टीम बना करके भेजी गई। तो वहाँ पे इंस्पेक्टर के द्वारा एक कैंटर में कुछ खैर की लकड़ी के नदीकृत तरीके से अवैध तरीके से उसका लोडिंग कराई जा रही थी। पुलिस की टीम पे पहुँचने पर व्यक्ति वहाँ से भाग गया था, लेकिन 156 घंटे और जो कैंटर है उसको पकड़ा गया। मौके पर वन विभाग की टीम को भी बुलाया गया था, उनके द्वारा वहाँ पे सर्च और फर्द की कार्रवाई की गई। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।